उत्तर प्रदेश चुनाव में हलचल तेज है। इस बीच इस्तीफे का दौर भी चल पड़ा है। उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को कैबिनेट और बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का साथ छोड़ किसी और पार्टी का दामन थामा है, जिसमें सबसे आगे सपा है, जिसके बाद से ही अब एक बार फिर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आज ही कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। जी हां, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जारी प्रचार के बीच बीजेपी को एक और झटका लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब दारा सिंह चौहान ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दारा सिंह मऊ जिले की मधुबन विधानसभा सीट से विधायक हैं। उन्होंने राज्यपाल को भेजी चिट्ठी में योगी सरकार पर दलितों, पिछड़ों और युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद दारा सिंह चौहान ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि सामाजिक न्याय के संघर्ष के अनवरत सेनानी श्री दारा सिंह चौहान जी का सपा में सम्मान, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सपा एवं उसके सहयोगी दल एकजुट होकर समता समानता के आंदोलन को चरम पर ले जाएंगे, भेदभाव मिटाएंगे, ये हमारे समेकित संकल्प हैं। सबको सम्मान, सबको स्थान। दारा सिंह चौहान ने राज्यपाल को भेजी चिट्ठी में कहा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में वन पर्यावरण और जंतु उद्यान मंत्री के रूप में मैंने पूरे मनोयोग से अपने विभाग की बेहतरी के लिए कार्य किया, किंतु सरकार की पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के साथ साथ पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उससे आहत होकर मैं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूँ। तारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य ने उनसे फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि परिवार का कोई सदस्य भटक जाए तो दुख होता है, जाने वाले आदरणीय महानुभावों को मैं बस यही आग्रह करूंगा कि डूबती हुई नाव पर सवार होने से नुकसान उनका ही होगा। बड़े भाई श्री दारा सिंह जी, आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करिए। मंत्री से इस्तीफे के बाद मंगलवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री के साथ अपने एक तस्वीर ट्विटर पर साझा किया। बता दें कि मंगलवार को श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मौर्य के इस्तीफे के बाद उनके करीबी माने जाने वाले तीन अन्य विधायकों ने भी बीजेपी से इस्तीफा दिया और मौर्य का साथ निभाने का दावा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। सारे नेताओं से होती रही है, सारे लोगों से मैं अपनी बात को कहता हूँ। आपके आपके साथ कुछ विधायक भी जाने वाले हैं क्या? मैंने ठीक है, सारे लोगों से मैं बात करता हूँ। विधायक भी आपके साथ इस्तीफा देने वाले हैं? देखिए ऐसा नहीं, अब कौन आएगा, कौन विधायक जाएगा, ये सारी जानकारी आप लोगों को है। आने वाले दिन में, दो चार दिन में सब पता चल जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात नहीं सुन रहे क्या? निश्चित रूप से आज जिस तरीके से पिछड़े समाज या दलित समाज के लोगों में जो तकलीफ है, अगर यह बात लोगों की सुनी जाती तो फिर क्यों ये स्थिति आती? मैं किसी से अमित शाह का फोन है, मैं किसी से आरोप, देखिए ठीक है, नहीं ठीक है, मैं तो अब चलिए मैं किसका नाम बताऊं, सारे लोगों के नाम, सारे लोगों के बात हुई, मेरी चीत हुई, मैंने अपनी पीड़ा सारे लोगों को बता दिया था कि ये स्थिति है। मैं तो अब उससे ज़्यादा मैं कह नहीं सकता, लेकिन देखिए 5 साल तक सारी बात को आप लोग जानते हैं, मैं तो शुरू से इस बात को लड़ता रहा हूँ, कहता रहा हूँ। लड़ाई नहीं, अपनी बात को मैं कहता रहा कि जिस पिछड़े समाज के नाते, जिस दलित समाज, वंचित समाज के जो उपेक्षित थे, जिनके आशीर्वाद से, जिनके सहयोग से इतना बड़ा मैंडेट मिला, सरकार बनी, और उनको हम न्याय तक नहीं दे पाए, उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाए, इसी से आहत होकर के हम लोगों ने इस्तीफा दिया। पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान को आप सुन